नमस्कार। आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग सीखेंगे श्वसन की अवस्थाएं। दरअसल श्वसन की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला है बाह्य श्वसन और दूसरा है मित्रों आंतरिक श्वसन और तीसरा जो हम लोग जानेंगे वो होगा कोशिकीय श्वसन। तो आज के इस वीडियो में मित्रों इन्हीं सब के बारे में होने वाला है। दरअसल हम लोग क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान का 6वां अध्याय जैव प्रक्रम के बारे में सीख पा रहे थे। श्वसन की अवस्थाएं है क्या मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्वसन की अवस्थाएं, दरअसल श्वसन की निम्नलिखित तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला है बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन क्या है, इनमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों जैसे कौन कौन सी गैसें आती हैं, ऑक्सीजन एवं CO2 का विनिमय होता है। यह निम्नलिखित दो प्रकार से होता है मित्रों। बाह्य श्वसन का मतलब यह है, जैसे हम लोग मानव हैं, राइट, जीव जंतु आप देखते हैं बहुत से जीव जंतु होते हैं जो मानव होते हैं, हम लोग भी एक जीव ही जंतु हैं, एक मानव ही है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं मित्रों, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और अपने अंदर से CO2 को बाहर निकालते हैं। हम लोगों ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो ये हमें ऑक्सीजन मिला कहाँ से, बाहरी वातावरण से मिला, राइट। और जो हम लोग के अंदर गंदगी के रूप में ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा CO2 बनता है वो हम लोग क्या करते हैं, नाक के द्वारा बाहर रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, राइट। तो मित्रों जैसे हम एक जीव हैं, प्राणी हैं और वातावरण के मध्य, भाई वातावरण में ऑक्सीजन है, उससे हमने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, इनहेल किया और अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। तो ये जो प्रक्रिया है मित्रों ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती है। अच्छा, बाह्य श्वसन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक है श्वासोच्छ्वास, दूसरा है गैसीय विनिमय। अब जरा हम लोग श्वासोच्छ्वास और गैसीय विनिमय के बारे में समझते हैं। तो आप बहुत अगर बारीकी समझेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए मित्रों, श्वासोच्छ्वास का मतलब यह होता है कि हमने शुद्ध ऑक्सीजन यानी शुद्ध गैस को ग्रहण किया और उसके बाद हमने अशुद्ध CO2 यानी अशुद्ध गैस को बाहर रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये जो प्रक्रिया है मित्रों ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कहलाती है, राइट। अब यहां पर देखिए, अब आता है गैसीय विनिमय। अब ये गैसीय विनिमय क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, दरअसल मानव में श्वसन की क्रिया गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, मानव में जो श्वसन की क्रिया होती है मित्रों गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है, परंतु रुधिर स्वयं इन गैसों का परिवहन नहीं करता। ध्यान दीजिए, जैसे आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो आपके अंदर से CO2 बाहर निकला, कैसे ये क्रिया होती है, आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो जो आपका ब्लड है मित्रों उसमें बहुत ढेर सारे आप देखते होंगे प्लेटलेट्स होते हैं, रुधिर की लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उस पर ऑक्सीजन विराजमान होगा और ये ऑक्सीजन आपके शरीर के हर एक भाग में वो ले जाएगा, ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। उसके बाद वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। जब ऑक्सीकरण की क्रिया होगी मित्रों तो आप जानते हैं क्या क्या बनता है, आपने जो खाया आपके अंदर ग्लूकोज वगैरह जो मिलता है उसका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीकरण होगा ना, देखिए तीन चीजें बनेगा, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दूसरा जल बनेगा और तीसरा ऊर्जा मुक्त होती, ऊर्जा मिलती है आपको, राइट। तो ये दो आप क्रियाएं समझ पाए, श्वासोच्छ्वास और गैसीय विनिमय। श्वासोच्छ्वास का मतलब है शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और अशुद्ध गैस को बाहर निकालते हैं, भाई शुद्ध ग्रहण को हमने ग्रहण किया और अशुद्ध गैस को बाहर रिलीज कर दिया। इसके बाद आता है आंतरिक या ऊतक श्वसन। आंतरिक या ऊतक श्वसन किसे कहते हैं, इसमें ऊतक तथा बाह्य कोश की वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊतक तथा बाह्य कोश की वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। ऊतक का मतलब क्या है मित्रों, जो त्वचा होती है, जीव जंतु जो त्वचा होती है। बाह्य कोश की वातावरण मतलब बाहरी जो कोशिकाएं वातावरण होती है, राइट। इसमें ऊतक तथा बाह्य कोश की वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है, इसे आंतरिक या ऊतक श्वसन कहा जाता है, राइट। अब देखिए मित्रों तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जो कि बहुत ही मित्रों आपके लिए इंपॉर्टेंट है
और बहुत सिंपल भी है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए कोशिकीय श्वसन क्या है, यह क्रिया एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है। जरा ध्यान दीजिएगा, यह एक एंजाइम नियंत्रण चरणबद्ध, यह एक एंजाइम नियंत्रण चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है जिसमें माइटोकांड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने लगता है। हमने क्या कहा मित्रों, जिसमें माइटोकांड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने लगता है, इससे अधिक ऊर्जा युक्त एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार श्वसन एक जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। बात समझ में आ रही है, आप एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। यह एक एंजाइम नियंत्रण चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है, ये बात आपको समझ में आई। दूसरा क्या कहा गया, जिसमें माइटोकांड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने लगता है, इससे अधिक ऊर्जा युक्त एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार श्वसन एक जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। राइट, तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सीख पाए उसकी श्वसन के बारे में, और हम लोग सीख पा रहे थे मित्रों श्वसन की अवस्थाएं, श्वसन की दरअसल तीन अवस्थाएं होती हैं, सभी के बारे में सीखा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट हेडलाइन के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।